नमस्कार, INC TV में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह और टू द पॉइंट में आज पॉइंट है उज्ज्वला योजना। दोस्तों, मेरे एक परिचित थोड़े शायराना मिजाज के हैं, बड़े से बड़े मुद्दे को सुर लय ताल में ढाल लेते हैं। कल वो गुलजार साहब का एक गाना अपने अंदाज में गुनगुना रहे थे। वो कह रहे थे, रोटी पकैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। मैं चौंक गया, गुलजार साहब ने तो ये नहीं कहा था, उन्होंने तो कहा था बीड़ी जलैले जिगर से पिया, और यहाँ रोटी पकैले। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उन्होंने एक और तुकबंदी पेश कर दी, छोड़ो गैस चूल्हे की बात, गैस चूल्हे की बात पुरानी, मोदी जी के दौर में लिखेंगे हम लकड़ी से नई कहानी। मैं समझ गया मसला उज्ज्वला योजना का है। उज्ज्वला योजना की हकीकत सबके सामने आती रही है। पिछले कुछ अरसे में तो ऐसी खबरें हर जगह से आ रही हैं कि लोग महंगी गैस नहीं खरीद पा रहे हैं, मजबूरी में महिलाएं फिर से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं, खाली सिलेंडर पर पानी का मटका रखा जा रहा है, उस सिलेंडर को टीवी स्टैंड की तरह यूज किया जा रहा है, कुछ लोग सिलेंडर का कुर्सी की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सच तो ये है कि उज्ज्वला योजना के जरिए माताओं और बहनों को धुएं से निजात दिलाने का जो दावा किया था वो भी एक जुमला ही साबित हुआ। गैस के दाम तो आसमान पर पहुंच गए हैं, बेचारी जनता आसमान से गिरी खजूर पर अटकी। बिना गैस का चूल्हा किस काम का, खाली चूल्हे के भी कई उपयोग बता सकते हैं। चूल्हा बजाकर कह सकते हैं कि आप भी इसी तरह चूल्हा बजाकर गाना गाइए, चूल्हे को घंटी की तरह बजाकर बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाइए, मेहमान आपके दरवाजे पर आए तो चूल्हा दिखाकर कहिए कि हमें ऐरा गहरा मत समझिए, हम भी गैस चूल्हे वाले हैं। उज्ज्वला योजना की नाकामी का आरोप पुराने नेताओं पर भी थोप सकते हैं, पुरानी सरकारों पर भी थोप सकते हैं। नाम बदलने में माहिर यूपी वाले महाराज तो लकड़ी के चूल्हे का नाम बदलकर गैस चूल्हा भी कर सकते हैं। बीजेपी के तमाम नेता सवाल पूछने वालों को राष्ट्र विरोधी बताकर पाकिस्तान भेजने की धमकी भी दे सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग ने भी उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़े की बात कही है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि लाखों लोगों ने एक ही दिन में 20-20 गैस सिलेंडर भरवा लिए। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, इस योजना में इतनी धांधली हुई कि 3,44,000 लोगों ने एक दिन में 20-20 सिलेंडर भरवा लिए, असल में नहीं सिर्फ कागजों में। इतना ही नहीं, 13,96,000 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक महीने में 41 सिलेंडर लिए हैं। हैरान करने वाली बात एक और है कि उज्ज्वला योजना केवल महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 1,88,000 पुरुषों को भी सिलेंडर दे दिया गया, 12,465 लोगों को तो दो दो बार कनेक्शन दे दिया गया। फर्जीवाड़े की हद तो यह है कि 8,59,000 नाबालिगों को भी गैस कनेक्शन दे दिया गया है। कैग ने इन्हीं आंकड़ों को सामने रखते हुए यह कह दिया कि उज्ज्वला योजना से महिलाओं की जिंदगी में उजाला कम, अंधेरा ज्यादा फैला है। खास बात तो यह है कि खुद सरकार मान चुकी है कि महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मुहैया कराने की उनकी यह योजना फेल हो चुकी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोपाल कृष्ण गुप्ता सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि लोग गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, तो इस समस्या का सरकार ने क्या समाधान निकाला है? एक और नई योजना, अब लोगों को सोलर कुकर देने की बात हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि सरकार जल्दी ही नाली की गैस से खाना बनाने की योजना भी शुरू करने वाली है। आपको याद ही होगा कि नाली की गैस से चाय बनाने की तकनीक का बखान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कुछ साल पहले कर चुके हैं। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यही है उज्ज्वला योजना की असल बात। नमस्कार, आप देखते रहिए INC TV।